हाय किड्स, हाय सर। आज देखो, आज हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट द कैलेंडर। अब वो बोल रहे हैं 1 अगस्त 2018 का एक कैलेंडर है, ठीक है, ये हमको पूरा करना है। ये इन्होंने आधा आधा भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इस कैलेंडर को बनने के लिए पहले हमको कैलेंडर देखना पड़ेगा कि कैलेंडर देखने की जरूरत है या नहीं है। नहीं, वैसे नहीं भर सकते हैं ना हम इसको। yes. देखो, 1 तारीख को वेडनेसडे, यहाँ पर क्या आएगा? दो अब सबको हम, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि पहले अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं। अगस्त के महीने में 31, हाँ, कितने? 31 कितने होते हैं अगस्त के महीने में? 31 30 और 31, ठीक हो गया, हमारा कैलेंडर पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब देखो, इस कैलेंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वो बोल रहे हैं कलर ऑल द संडेज इन रेड। अब वो बोल रहे हैं जो संडे हैं उनको लाल लाल करना है। कौन कहाँ पहले संडे? हाँ, तो इस पूरी वाली लाइन को हमने क्या करना है? रेड कर देना है। ऐसे कर सकते हो? रेड कर लोगे? ये तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो इस पे जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम ब्लैक कर देंगे ना, ठीक है। क्लियर है? ये तो हो गया। अब वो बोल रहे हैं ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड। वो कौन से दिन में ये वाला जो महीना हमारा खत्म हो रहा है, बता सकते हो इसको देख के? खत्म कब हो रहा है ये महीना? कौन से दिन? हाँ, तो कौन सा दिन है उस दिन? वेरी गुड। क्या है उस दिन? फ्राइडे। क्लियर है? राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। कितने दिन है इस महीने में? 31। व्हाट डे इज इट ऑन 13 अगस्त? 13 अगस्त को कौन सा दिन है? 13 अगस्त को वेरी गुड। क्या है? मंडे। व्हाट इज द डेट ऑन द सेकंड सैटरडे? अब वो बोल रहे हैं दूसरे शनिवार के दिन कौन सी तारीख है? दूसरे शनिवार के दिन कौन सी तारीख? 11। हाँ, कितनी? 11। पहले शनिवार के दिन क्या है? 4। दूसरे के दिन क्या है? 11। तो यहाँ पे क्या भरोगे? 11। इस द 21st अ संडे। वो बोल रहे हैं 21 तारीख को क्या संडे है? 21 तारीख को नो। क्या है 21 तारीख को? 21 तारीख को तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? नो। वो बोल रहे हैं 21 को क्या संडे है? तो नहीं है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द डे ऑन 29th? व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक? अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द डे ऑन 29th? 29 को कौन सा दिन है? 29 को तो वेडनेसडे हो गया, तो एक तो आंसर हो गया हमारे पास क्या? वेडनेसडे। क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक? अब देखो, ये कैलेंडर हमारे पास यहीं तक खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर 2020। अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा? अगस्त, सितंबर आएगा। अब देखो, सितंबर की पहली तारीख को कौन सा बार आएगा, कौन सा डे आएगा? 22 डे क्या आएगा? अभी देखो कहां पर ये महीना कहां पर खत्म हुआ, कितने क्या था उस दिन? फ्राइडे। तो अब सैटरडे के दिन कितनी तारीख होनी चाहिए? सैटरडे को एक। अब देखो, एक तारीख आएगी ना, ये एक आएगी, एक तारीख को आ गया क्या? सैटरडे। कौन से महीने का? सितंबर का। अब देखो यहाँ पर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब वो बोल रहे हैं कि 29 तारीख को वेडनेसडे था ना, तो अब वो बोल रहे हैं अगले हफ्ते में उसी दिन कौन सी तारीख आएगी? अब 29 के नेक्स्ट दिन कौन सी तारीख आई? अब ये 5। वेरी गुड। 5 क्या? 5। मंथ कौन सा है? मंथ सितंबर। वेरी गुड। कौन सा मंथ है? सितंबर। तो ऐसे बढ़ता है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में कहीं मिस नहीं होते हैं, मतलब 31 को अगर फ्राइडे यहाँ खत्म हो रहा होगा, तो अगले महीने का जो पहले तारीख आएगी उस दिन क्या आ जाएगा? सैटरडे। क्योंकि दिन तो चेंज नहीं होंगे ना, कैलेंडर ही तो चेंज हुआ, मंथ चेंज हुआ, लेकिन डेट्स वैसी रहेंगी, दिन वैसे चलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी थर्सडेज आर दिस इन दिस मंथ? वो बोल रहे हैं कि इस महीने में कितने थर्सडे आए हैं? इस महीने में अगस्त में थर्सडे कितने आए हैं? ऐसा भी होता है कभी एक ही आएगा? 5। कितने? 5। विच मंथ्स इन दिस कैलेंडर हैव 5 संडेज? अब बोल रहे हैं इस कैलेंडर में 2018 के कैलेंडर में, अभी आपने घर से करके लाना है, 2018 के कैलेंडर में 5 संडे किस किस महीने में आ रहे हैं, ठीक है, चेक कर लोगे?
घर में जाके देख लेना 2018 के कैलेंडर में पांच संडे किस किस मंथ में आ रहे हैं। इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स फाइव टाइम्स, आंसर में करना है। हाँ, 2018 पिछले साल वाले कैलेंडर में, ऐसे ही इसमें भी करना है। इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स फाइव टाइम्स, इसके अलावा भी तुमने देखना है कि उस मंथ में कहाँ कहाँ पर पांच आए हैं कोई दिन, सैटरडे संडे मंडे कोई से भी, ठीक है। कैन देयर बी सिक्स संडेज इन अ मंथ, वो बोल रहे हैं क्या एक महीने में छह संडे हो सकते हैं? एक महीने में छह नहीं हो सकते, कभी भी ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? पांच, छह नहीं हो सकते कहीं भी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो हमें सही ध्यान रखना है कि एक महीने में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पांच, ठीक है। तो इसका आंसर तो है नो, और ये दोनों आप घर से करके लाओगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर।